Hey guys, good morning. Welcome back to our new vlog. So, आप सब कैसे हो? I hope आप सब ठीक होंगे. So, आज खाने में बनेगा बैगन की सब्जी और रोटी. तो सब्जी तो मम्मी ने बना दी है, मैं सोई थी जब तक मम्मी ने सब्जी बनाकर रेडी कर दी है. अब मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म रोटी. तो अब मैं रोटी के लिए पहले आटा गूंथ लेती हूँ, फिर बनाऊंगी. Guys, मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ मेरे महादेव भी रेडी हो चुके हैं और प्रिंसी भी रेडी होकर सो चुकी है. अभी हम खाएंगे खाना, फिर उसके बाद में जाएंगे घूमने. बहुत प्यारा सरप्राइज है आप लोगों के लिए. आप प्लीज़ ये ब्लॉग को पूरा देखना, मिस मत करना. एंड तो बिल्कुल भी मत मिस करना आपने. सो अभी हम खाते खाना, फिर फटाफट निकलते हैं, बहुत धूप हो जाएगी नहीं तो. गाइज हम यहाँ रेडी होकर जा रहे हैं. प्रिंसी को आप देख सकते हो, सो चुकी है ये. अब आप देख लेना आपका सरप्राइज क्या है. सो चलो हम चलते हैं. हाँ मम्मी, बैठो बाबू. खेती खेत है इधर, सब दूर खेत है. मेरे महादेव बोल रहे हैं हम रहते हैं जंगल में, खेत में रहते हैं, जंगल में नहीं रहते. बहुत अच्छा लगता है खेत में, पता है बारिश के मौसम में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है. रास्ता देखिए इतना खराब है, बहुत ही ज्यादा. और हमारे साथ में प्रिंसी, भयंकर खराब है रास्ता, आप देख ही सकते हो. गाइज हम हमारी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं. सो आप इस व्लॉग में बने रहिए और मुझे पता है कि आप भी बहुत बेचैन हो कि क्या है हमारी मंजिल, जल्दी से बता दो. तो आपका आपका सरप्राइज बहुत जल्दी मिलने वाला है. फिलहाल यहाँ रास्ता बहुत ही ज़्यादा खराब है. गॉड, चलो हम आपको आपका सरप्राइज बताते हैं, बस 2 मिनट और. सो गाइज हम हमारी मंजिल तक पहुँच चुके हैं. ये रो रही है. सो गाइस पहले अंदर जा रहे हैं शिवाय. लाइट चालू करो. नानी पंछा आ गए. गुड मॉर्निंग बेबी, बहुत क्यूट. ओ बाबू, ये घर में कहीं चुड़ैल भूत तो नहीं दिखते आपको? मेरी चोरी, रुमाल हटा दो. और बेबी चावल कपड़े तो बहुत क्यूट क्यूट लग रहे हैं. और दानी जी विलनों के हीरो घायल हो जाएंगे, ले वा ले जल्दी आ. ये मामी भी कुछ हो गई है. एकदम से सरप्राइज मिला, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. भाई आ गया, मेरी बेटा आ गया. बेटा देखो नानी को चुपता है क्या? ये विदित भैया को देख लीजिए, ये हमारा गोलगप्पा. गोलगप्पा ये अधिक को देखो. हाय, अभी फोन पे बात करता. बुआ आ जाओ, आ गई उसकी बुआ. देखो देखो इधर, देखो इधर, देखो अपनी बेटी आ गई. अधिक आपकी पोंसा आ गई. ये हाथी पहन के आई थी, हाथी राजा पहन के आई थी. कौन सा तो बचा पीछे ले लेने में चरा को. नाइस, अब अच्छी होगी तुम्हारी चारों बेटी. ओ नहीं बेटा, तुझे लोग मेरे मन वाले नानी के खिलाएंगे तू. सही साथ फिर भाभी एक्सचेंज कर रहे हो, बोलो ऑफर आज भी दे रहा हूँ. एक्सचेंज नहीं चाहिए हमको, परचेज करना है. दे रहे हो? नहीं, परचेज करेंगे. एक्सचेंज करेंगे. मेरी बुद्धि आ गई. गाइस आपको कैसा लगा हमारा सरप्राइज? अब उसके मामा आएंगे तो सबसे ज्यादा शॉक हो जाएंगे. ओ मेरी पंसा आ गई, जिनसी की बड़ी नानी आ गई. देखा था इसको डंगरी का? पिंचा उच की मामी से बातें कर रही है, अग्गू अग्गू कर रही है. आदमी कैसा लगा बेटा आपको? मैं आई तो बोलो, आदमी की खुशी नहीं समा रही है. मैं आई हूँ तो 2 मिनट पहले मेरे को कॉल करके बोलता है कि बुआ आ जाओ, बुआ आ जाओ. और एकदम से बुआ अद्विक के सामने है ना बेटा. पुच्ची तो दे दो, ले जाओगे आज.
आपको कैसा लगा? आ बेटा, क्वीन भी बैठी है, क्वीन भी बैठी है। प्रिंसा, आपको कैसा लगा मामी के पास आके? कल बोल लेते ना आप कि मामी पास ले चलो, मैं ले आई। ते दादी को परेशान नहीं करती मेरी बेटी, क्या नहीं है समझदार है मेरी छोरी। माँ को देखेगा तू? औ माँ पीछे तो नजर नहीं हटा था पिंची। बम्मा अचे तू, बहुत बम्मा अचे। देखो गाइस कैसी देख रही है ये बड़ी बड़ी आंखें बता के। औ ए जी क्या बात है बोल ली पिंची? भैया तेरे को लाड़ कर रहा है ना, जरा बात कर लेने दे। भैया लाड़ करता है। इधर भी ध्यान दो बेचारे पे, हम गली पे भी ध्यान दे दो कोई को भी दे। पिंसी आ गई बेटा नानी के पास, मेरे माधव की कमी है। छत्रपति आओ, छत्रपति रुक गई। आओ कहाँ से आई तू? बहुगाँव से आई, नानी की याद आई थी। भैया ने माए झूठ मूठ बोला ना, तुम तो टपक ही गए रे। हमने बुलाया थोड़ी था, मजाक किस की थी आपसे कि आ जाओ ये? तो तुम तो सीधे जा गए हमारे घर, हमको नहीं बुलाना। जाओ आपके घर, नीचे आगे गुड मॉर्निंग करने आओ। कहा कर ले बेटा, तुमको मम्मा ने नहीं लाई है? कहती ये बोलती कितनी अच्छी बोल रही इसको। गुड मॉर्निंग करने आ गई ना नीचे। हाई गुड मॉर्निंग करने ए जी, जरा बोल के बता दो कैसी गुड मॉर्निंग करने ए जी। ए जी क्या खिलाया मम्मा ने खाने में? क्या खाया आपने? क्या खाया, क्या खाया बेटा मम्मा के साथ? ये पानी ला के दो तो बेटा, अधिक पानी। गाइस मैंने इसको बोला पानी ला के दो, बोलता है क्या झुकेगा नहीं बेटा। आप इतने बम्माश कहाँ से हो गए? किसने सिखाया आपको? तू नानी को झोल के। शिवल्ली क्या बोलता है? अरे भाई, और शिवल्ली कैसे करते करके बताओ तो, तेरी झलक सर पे शिवल्ली करके बताओ तो। शिवल्ली सही बात है, सही बताएगा ऐसा तू बोलेगी। अधिक काटे एक प्रिंसी के ऊपर। सो गाइस यहां हो चुके हैं बच्चे एक्सचेंज। ये इसको देखो गोरिल्ला को खतरनाक तरीके से देख लो। जाओ जाओ मम्मी के साथ देख रहा है ये निकाल रही है। कांच आ गई, इटू चले गए ठीक है, कांच आ गए छपाई आ गए। अच्छा अगले टू यहां बच्चे एक्सचेंज हो चुके हैं। तेरी मां ने किसको ले जा देख, पीछे से देख तू, पीछे से देख, मुक्का मार दे एक दूसरे को जल्दी से, मुक्का मार दे। अरे लाइट आ रहा है ऐसे ही ठीक है। कितनी खुश हो रहा है बुग्गू? आ मेरे बुग्गे, ले तेरी बहन आ गई बुग्गे, ले कुछ ले छुपा। इसकी खुशी में समा रही है गोरी लागे। हाँ ले इसी हो जा विधि चालू को ले गम्मी वाले ये ले कौन सा तू यहाँ के बारे में कर। का बात है तुम बम्मा जो इधर देखो भाई आ गई तुम्हारे पास बुआ। आ बेटा पानी लेके आया मेरा अद्विक मेरे लिए। वाह यार थैंक यू बेटा। कहाँ गए बेटा? पूजा भी बेटा पर पानी ला देगा बेटा। चलते चलते ला के दिया। वाह यार पानी से मैं
भाई यार चमक वाली साड़ी ला के दोगे? अभी तो वो नहीं पहनेगी बेटा, वो छोटी है। ओके। ये पूजा मौसी से बात करते हुए बच्चे करो बेटा बातें करो। ए विदित मेरी पोंछा को माले मत। देख बात कर रही थी। तो गाइस मैं यहाँ खा रही हूँ भाभी के हाथ की दाल बाटी, टेस्टी वाली दाल बाटी। गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:20 और मैं यहाँ आके सो गई थी, खाना खाया और जस्ट सही मैं और प्रिंसी दोनों तब भी नींद खुली। सो गाइस मेरी बाटी यहाँ गरम हो चुकी है, मैंने माइक्रोवेव में बाटी गरम करी, थोड़ी और ठंडी है, एक बार और रख के गरम करती हूँ। और इधर मेरी दाल हो गई है, दाल तो हो चुकी है, बस बाटी हो, फटाफट भाई को खाना खिलाओ और घर जाओ। तो फिर उधर शाम हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। और ये इसको देखो सन्नाटा ग्रुप, क्या खा रहा है ना? केरी, मुंह पानी आ रहा है केरी को देख के। ना प्रिंसी यहाँ उसके मामा के साथ मस्ती कर रही है। ओहो मेरे भाई की दो। मामा ने कैसी बिठा ली प्रिंसी को, कहा देख रही तू ऐसी बैठे रहो चुपचाप, जरा से चिड़िया चिड़िया। इसको देखो भाई ट्रैफिक जाम हो जाएगा। बाबूराव जैसी गाड़ी चला रहा था खा के। बेटा बेटा आपको जैसे आपकी दादी की याद आती है ना, वैसे प्रिंसी को उसकी दादी की याद आती है, इसलिए जा रहे हैं हम। क्यों नहीं, क्या हुआ? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ बेटा, सच्ची बेटा वो सच चश्मा प्रिंसी का नहीं है, विदित भैया का है। हाँ यहाँ प्रिंसी रो रही है, हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या हो गया बेटा? चलो ठीक है लाओ। पोंछा तो पोंछा कहोगे भी तो देखो छोलिए तू पोंछा पिंछा पोंछा छो मिली पोंछा छोलिए वो तू मिली छोलिए कि छोरी है। छोने दो मामा मेरे को छोने दो। हम जा रहे हैं अब हमारे घर, मिल लिए नानी से मामा से मामी से अद्विक विधि सब, और अब हम जा रहे हैं घर, नानू का वेट करेंगे तो हमको रात हो जाएगी। गोपनी जी आओ। ए जी आ जाएगी, बाबा तेरे घर जाने की खुशी तो बहुत आती मैं। आओ तू आएगी मेरे पास, चलो 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 चलो। मेरी पोटी भाई जाने, मेरी छोरी लाड़ी भाई को विदा कर रही हो। लाली भाई विदा, बाय बाय। क्या हो गया? नहीं उधर नहीं, अभी मैं जा रही, मेरे को बाय बाय बोल दो पहले। बाय बस बाय, मेरे को जान दो। नहीं मैं नहीं कूदाती भाई, वो बड़े पापा ने मना कर दिया। ये पोटला ओ पटले बाय बाय बोल दे। अद्विक बाय। विदित बुआ और विदित भैया को छोटे प्यार लगते हैं। अदित विदित बाय भाभी, चलो चलो मिलेंगे बाद में। नहीं जल्दी फिर जा रही है, मैं भी मेरा काम करूं। फटाफट तू चिलो और जाओ अच्छे से रे, फटाफट काट ले मेरे काल, काट ले काट। नहीं नहीं छोड़ो सियाने। बाय बाय अद्विक। अद्विक हांडिया बाय बाय। क्यों नहीं, क्यों नहीं जाओ? क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्या मैं वापस आ जाऊँ? अच्छा ये मामी पोंछा छोली नहीं लिए। बाय।
बाय बाय। चलो बाय भाभी बैठो। बाय बाय बेटा। बाय बाय कल तो बेटा। तगारी में बैठ जाना। अब हम आएंगे बाद में, बिन बुलाए आएंगे। वो बोल रही हो जी। अपन चले अपने घर। सो गाइस हम आ गए हैं घर। प्रिंसी को आ रही है नींद। चलो अब जाते हैं उसको, अब मैं सुलाती हूँ। तो बज रही है 10 और मेरे को लगी है भूख, क्योंकि मैंने नहीं खाया है आज खाना। और आपकी दीदी बना रही है मेरे लिए मैगी। रात में भूख लगती है। मैगी 2 मिनट में रेडी। बोलते हैं 2 मिनट में रेडी, बट 2 मिनट में कभी नहीं रेडी होती है। 5 मिनट तो लगते ही लगते हैं रेडी होने। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:10 और प्रिंसी यहाँ सो रही है और इसके पापा यहाँ बना रहे हैं रील्स। सो गाइस शिवाय मेरे लिए एक्टिंग सीख रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको बोला है कि आओ अपने को इंस्टा पे भी एक्टिव रहना, इंस्टा पे भी अपने फैंस। अपन यूट्यूब पे एक्टिव है, इंस्टा पे भी बहुत जल्दी एक्टिव आएंगे। तो इन्होंने बोला ठीक है मैं थोड़ी एक्टिंग सीख लेता हूँ रील्स के लिए। तो पता है अकेले ही रील्स बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़े थोड़े ट्राई कर रहे हैं अभी। तो अब बनाएंगे जल्दी जल्दी। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आओ आप मेरे लिए सीख रहे हो रील्स? जी आपके लिए सीख रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स के लिए सीख रहा हूँ। सबकी कमेंट आ रही है ना, जीजू वीडियो नहीं बनाते, वीडियो नहीं बनाते। तो जीजू को आता नहीं है, अब जीजू आपके सीख रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बहुत जल्द आपको जीजू के ब्लॉग देखने को मिलेंगे और रील्स भी। आप कब से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो? सही सही बता दो। कल मंडे है, मंडे से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट। कल संडे है, संडे है। हाँ मंडे से पक्का। ओके सो गाइस देख लो मंडे मैं आऊंगी ब्लॉग में, लेकिन ब्लॉगिंग करेंगे शिवाय। यस मैं करूंगा ब्लॉगिंग। हाँ ये ब्लॉग कर आ जाएगा। आप सब सपोर्ट करिए, कमेंट में बताइए कि मैं ब्लॉगिंग करूँ या नहीं करूँ। सो कल की कमेंट पढ़ी जाएगी और रिप्ले भी दिए जाएंगे। रिप्ले देंगे शिवाय, क्योंकि मैं मेरी आईडी से रिप्ले दूंगा। जितनी कमेंट आएगी उतने सबके रिप्ले मैं करूँगा। सो देखते हैं गाइस शिवाय ब्लॉगिंग करते हैं या नहीं करते। अगर ब्लॉग नहीं आए तो समझ जाना महा सिख हो रहे, दिन भर फोन चलाते लेकिन ब्लॉग नहीं करते। फ्रेंड्स मैं फोन चलाता हूँ, सबको रिप्ले देता हूँ इंस्टा पे यूट्यूब पे, इसलिए मैं फोन चलाता हूँ। ओहो आप चेक करिएगा यूट्यूब पे कमेंट में, सभी को रिप्ले दिया है लगभग मैंने। सो फ्रेंड्स आपको ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मैंने तो पूरा सरप्राइज रखने की कोशिश करी थी, लेकिन भाभी ने स्टोरी डाल के पूरे सरप्राइज को फेल कर दिया। लेकिन हाँ वहाँ जो भी हुआ, वो कैसे शॉक हुए प्रिंसी को देख के, ये सब मैंने इस व्लॉग में बताया है, जो आपने देख लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ अब आपको बाहर के व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन डेली नहीं मिल पाएंगे, दो दो तीन तीन दिन छोड़ के मैं आपको बाहर के व्लॉग्स भी दूंगी। सो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।